नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार। यहाँ पर भैया Redmi और Realme ने जब से कदम रखा है इंडिया के अंदर, तब से भैया हर महीने कोई ना कोई फोन लॉन्च होता ही रहता है। अभी यहाँ पे Realme 8 के बाद Realme 9 सीरीज इंडिया में आने वाली है और इसके स्पेसिफिकेशन लगभग यहाँ पे निकल के आ चुके हैं, लीक्स निकल के आए हैं, लेकिन काफ़ी मज़ेदार लीक्स हैं, तो हमने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। और यहाँ पे सबसे बड़ी जानते हो एक क्या कन्फ्यूजन थी, क्योंकि Realme ने Realme 7 में और Realme 8 में सेम प्रोसेसर यूज किया था, यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं किया था Realme 8 सीरीज और Realme 7 सीरीज में। लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर प्रोसेसर तो बदलेगा लेकिन कैमरा नहीं बदलेगा। जी हाँ, यहाँ पे कैमरा में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर Realme का जो 9 Pro होगा वो 108 मेगापिक्सल के साथ में आएगा और यहाँ पे Realme का जो 9 होगा वो आएगा 64 मेगापिक्सल के साथ में, यानी कि सेम Realme 8 सीरीज जैसा। अभी यहाँ पे Realme 9 Pro में तो 108 मेगापिक्सल से बड़ा सेंसर तो डाल ही नहीं सकते, अभी तो कोई सेंसर ऐसा बना ही नहीं है, तो इसीलिए Realme 9 Pro में 108 मेगापिक्सल का ही सेंसर आएगा। तो अब बात कर लेते हैं भैया इस स्मार्टफोन के अंदर कौन सा प्रोसेसर यहाँ पे डाला जाएगा। यहाँ पे भैया कोई 5G प्रोसेसर नहीं होने वाला है। लीक्स आ रहे थे पहले कि इसके अंदर आपकी Realme 9 जो सीरीज आने वाली है वो 5G के साथ में आएगी। यहाँ पर जी हाँ, 5G के साथ में आएगी, लेकिन जो Realme 9 सीरीज होगी बेस मॉडल वाली वो भैया 4G के साथ में ही आएगी। Realme 9 5G एक दूसरा वेरिएंट का लॉन्च किया जाएगा, जैसे सेम Realme 8 में लॉन्च किया गया है। Realme 8 4G है, Realme 8 5G है। जी हाँ, दोनों ही स्मार्टफोन लॉन्च किए जाएंगे, लेकिन अभी Realme 8 4G की बात करें तो इसके अंदर एक न्यूली प्रोसेसर MediaTek की तरफ से आने वाला है, MediaTek Helio G96। ये भैया G95 का अपग्रेडेड वर्जन है। जी हाँ, यहाँ पे UFS 2.2 का सपोर्ट दिया गया है, ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट दिया गया है। साथ में यहाँ पे भैया इसके अंदर 108 मेगापिक्सल तक की मतलब की कैपेसिटी है कि यहाँ पे आप इसमें मतलब कैमरा यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे भैया डुअल 4G है, मतलब कि 5G नहीं है, जैसे मैंने पहले ही बता रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे भैया जो है सुपर अमोलेड के साथ में 120 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट का मतलब कैपेबल है। जी हाँ, यहाँ पे अगर मतलब ये प्रोसेसर जो है फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, चाहे वो IPS की हो चाहे यहाँ पे अमोलेड की हो। यानी कि यहाँ पे जो आपकी जो Realme 9 सीरीज आने वाली है वो भैया 120 हर्ट्ज प्लस सुपर अमोलेड डिस्प्ले के साथ में आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे Realme 8 में भी यहाँ पे भैया सुपर अमोलेड डिस्प्ले दी गई थी। जी हाँ, तो ये तो कन्फर्म लगभग हो ही चुका है। और यहाँ पे डिस्प्ले के साइज की बात किया तो भैया वही सेम साइज होने वाला है, 6.4 इंच का, जो कि काफी कंफर्टेबल साइज होता है। और यहां पे पंच होल की डिस्प्ले होने वाली है। जी हां, पंच होल होगा और वहां पे 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया जाएगा। बैक साइड में जैसे कि मैंने बताया है 64 मेगापिक्सल का सेम कैमरा सेंसर आने वाले हैं, 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, यहाँ पे क्वाड कैमरा सेटअप दिया जाएगा। और अगर हम बात करें इसकी बैटरी परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी होगी और 30 वाट की यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पे कोई भी बड़ा चेंज नहीं देखने को मिला है बैटरी वैटरी में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे प्रोसेसर बदला गया है और यहाँ पे आपको डिस्प्ले जो है अपग्रेड करके दी जाएगी। ये सारे भैया लीक्स हैं, अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रोसेसर जो है वो कंफर्म हो चुका है। तो जैसे कि भैया Realme 7 हो चुका, Realme 8 हो चुका, सभी में कुछ ना कुछ थोड़ा सा बदल के ही आता है, वैसे यहाँ पे Realme 9 सीरीज में आने वाला है। बाकी अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइजिंग की, आखिर क्या प्राइजिंग रहने वाली है। तो यहाँ पे भैया Realme 9 जो सीरीज स्टार्टिंग होगी कुछ यहाँ पे भैया 14,500 रुपए से ही स्टार्टिंग होगी, यहाँ पे बहुत हाई फाई बजट में नहीं जाने वाला है। जब यहाँ पे भैया Realme 9 सीरीज आ जाएगी तो Realme 8 सीरीज का प्राइस थोड़ा डाउन कर दिया जाएगा और यहाँ पे Realme 9 सीरीज 14,000-15,000 रुपए में लॉन्च की जाएगी। आप बताएं, आप भैया Realme 9 सीरीज का वेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और आपके क्या है विचार, क्या होना चाहिए अपग्रेड, क्या क्या बदलाव होने चाहिए, जो भी है भैया आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अगर बात की जाए भैया इसके लॉन्च डेट की, तो ये जो स्मार्टफोन है भैया लास्ट अगस्त से लगा के सितंबर तक लॉन्च किया जा सकता है, ये लीक्स के मुताबिक पता चला है। जी हाँ, ये अपना कोई सोर्स नहीं है, लीक्स लीकर्स ही बताते हैं कि भैया इसका जो लॉन्च डेट है वो इतना होने वाला है और इसके अंदर जो प्रोसेसर होने वाला है ये इतना होने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर आप अपने विचार रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो भैया आप वो भी बता सकते हैं, लाइक करके हमारा जो है प्रोत्साहन बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपना कोई भी टॉपिक हो, अगर आप कोई टेक रिलेटेड कोई टॉपिक अगर आपके मन में है कि हाँ इस पर वीडियो बननी चाहिए, तो आप क्वेरी जो है ना आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम डेडी के अगर कोई अच्छा टॉपिक होगा तो डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बनाई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।